Assalamualaikum everyone, this is Rana Muhammad Awais from automationplay.com. आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको टाइमर्स डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा जो कि हमारे पास फैक्ट्री आईओ पे एक्सरसाइज है फैक्ट्री आईओ की. इसको देख लेते हैं. ये मेरे पास फैक्ट्री आईओ ओपन है और ये फिलिंग टैंक की एक्सरसाइज है जिस पे हम लोग डिफरेंट टाइमर्स ऑपरेट करेंगे. तो जैसा कि हमने पिछली एक्सरसाइज में देखे थे डिफरेंट टाइमर्स, टाइमर ऑन डिले, ऑफ डिले, रिटेंटिव टाइमर्स और पल्स टाइमर्स, तो उसमें से हम लोग वो टाइमर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे जो इसमें हमें रिक्वायर्ड है. तो मैं ड्राइवर देख लेता हूँ. यहाँ पर फैक्ट्री आईओ में हमारे पास ये इनपुट आउटपुट अवेलेबल है मुझे, क्योंकि यहाँ पे टाइमर का डिस्प्ले भी करवाना है जो ये मेरे पास मीटर पे. तो इसमें भी इनपुट आउटपुट मेरे पास शो हो रहे हैं, मुझे इस इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है. तो 0.0, 0.1 फिल और डिस्चार्ज, जो कि यहाँ पे दो बटन्स हैं, इनपुट्स हैं, लेफ्ट साइड पे मेंशन है, आउटपुट राइट साइड पे. ये मेरे पास ऊपर यहाँ पर फिलिंग वेल्व है और ये फिलिंग जो इसकी इंडिकेशन है बटन के साथ वाली ग्रीन इंडिकेशन भी ऑन होगी. डिस्चार्ज वेल्व जो मेरे पास यहाँ पर है और डिस्चार्जिंग की लाइट जो कि इस रेड बटन पर. टाइमर मेरे पास नहीं है तो इसको कॉन्फिगर कर लेते हैं. सिंपली ये है कि यहाँ पर मेरे पास टाइमर जो है वो आउटपुट है, डी वर्ड आउटपुट यहाँ वहाँ पर नहीं लिया हुआ, मैं इसको वन कर देता हूँ. क्योंकि मैंने PLC फिजिकल PLC यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 10 के बाद I10.0 Q10.0 से मैं स्टार्ट करूँगा इनपुट और आउटपुट. तो यहाँ पे QD100 यहाँ पे यहाँ पर आ गया है एड्रेस जो है, तो उस पर मैंने डाल दिया टाइमर. अब ये डबल इंटीजर एड्रेस है, इस पर मैं वैल्यू मूव करवाऊँगा तो मेरे पास टाइमर यहाँ पर डिस्प्ले होगा. तो इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं. मेरे पास PLC ऑलरेडी ऑनलाइन है तो इसको अब हम लोग प्रोग्राम बनाकर चेक कर लेते हैं. TIO पोर्टल मेरे पास ओपन है ऑलरेडी, इस पे S7-1200 मेरे पास जो PLC है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है. तो सबसे पहले मुझे जहाँ यहाँ पर देखना है तो मुझे फिलिंग वेल्व मेरे पास जो इनपुट यहाँ पर बटन है उससे मुझे यहाँ पर फिल वेल्व ऑन करवाना है और साथ में फिलिंग इंडिकेशन भी. तो मैं इसको ऑन करवा लेता हूँ. मेरे पास एड्रेस है I10.0 इनपुट का और फिलिंग का जो एड्रेस है, अगर मैं यहाँ से दिखा सकूँ आपको, I10.0 फिलिंग और Q10.0 वेल्व है और Q10.1 फिलिंग की इंडिकेशन है. अब ये तो नॉर्मल इनपुट और आउटपुट मैंने ले लिया, क्योंकि मुझे टाइमर बेस्ड फिलिंग करवानी है. लेट से मैं 10 सेकंड की फिलिंग करवा रहा हूँ और 10 सेकंड में मैंने बताया था कि मेरे पास हम लोग वो टाइमर यूज़ करेंगे जो कि आउटपुट फौरी ऑन कर दे सिग्नल मिलने पे. तो टी ऑफ टाइमर है और एक सर्टेन टाइम के साथ लिए चलेगा और उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा. तो ये डेटा ब्लॉक इसका बनेगा टाइमर का, इसको मैं ओके कर दूँगा. यहाँ पर मैं दे देता हूँ T#10 सेकंड के लिए मैं फिलिंग करवा रहा हूँ. ET के लिए लेट से मैं MD1 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है. और इसको मैं अब टैग का नाम दे देता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आगे आसानी हो. स्टार्ट पुश बटन, ये फिल वेल्व, फिल इंडिकेशन. तो ये मेरे पास टैंक फिलिंग के लिए कंप्लीट हो गया. अब जब टैंक फिल हो जाएगा उसके बाद मुझे डिस्चार्ज भी करवाना है. डिस्चार्ज के लिए ये एड्रेसेस हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं.
तो यहाँ पर मैं अब डिस्चार्ज के लिए बना लेता हूँ I 10.1। डिस्चार्ज का बटन है मेरे पास, मैं अगेन यहाँ से टाइमर ले लेता हूँ। ये टाइमर अपना डेटा ब्लॉक क्रिएट करेगा। तो अगेन डिस्चार्ज भी मैं 10 सेकंड में करवाऊंगा और ईटी इसके लिए मैं दे देता हूँ MD 10। आगे मैं आउटपुट ले लेता हूँ और जैसे ऊपर लिए थे इसी तरह दो आउटपुट यहाँ पे ले लेते हैं। उसका आउटपुट का एड्रेस देख लेते हैं जिसकी मैपिंग करनी है हमें, डिस्चार्ज वेल्व 10.2 और डिस्चार्जिंग लाइट 10.3। अच्छा, इसमें दो एड्रेसेस जो हैं वो मैंने अभी मुझे करेक्शन उसमें करनी पड़ेगी। पहले तो जो टाइमर का हमारे पास एड्रेस है वो QD 100 है, तो वो मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा इलेप्स टाइम, ताकि मेरा ये डिस्प्ले हो वहाँ पर QD 100 और यहाँ पर भी QD 100। इसको रीनेम टैग कर लेता हूँ। टाइमर वैल्यू का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरी एक और चीज़ इसमें, जैसे आप डिस्चार्ज देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरे पास डिस्चार्ज का जो बटन है ये नॉर्मली क्लोज है। इसका मतलब जो यहाँ पर मेरे पास जैसे ये बटन है, इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहा है, इसका नॉर्मली ओपन, तो ये इस कंडीशन में सिग्नल नहीं दे रहा। प्रेस करने पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिग्नल दे रहा है, पर जो मेरे पास ये है स्टॉप का बटन, ये ऑलरेडी सिग्नल दे रहा है। जब मैं प्रेस करूँगा तो ये सिग्नल यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हट जाएगा। तो जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल्स में बताया था, अब नॉर्मली क्लोज वहाँ पे सिग्नल आ रहा है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये टाइमर ऑपरेट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मली क्लोज रखना पड़ेगा। तो जब वो सिग्नल आ रहा होगा तो ये यहाँ से ओपन हुआ हुआ होगा, और जब मैं उसको प्रेस करूँगा बटन को, तो ये फिर सिग्नल पास करेगा, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एड्रेस रख देता हूँ I 10.1 था, इसको मैं रीनेम दे देता हूँ। डिस्चार्ज पुश बटन, इसको मैं स्टार्ट के बजाय यहाँ पर फेल अंडरस्कोर पुश बटन ये नाम दे देता हूँ, जो उसका फंक्शन है उस हिसाब से मैंने टैग दे दिया है ताकि रिकॉल कराने में आसानी हो। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम बन गया। अब इसको अपडेट करके चेक करते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है। इसको मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। मॉनिटरिंग ऑन कर लेते हैं यहाँ से, इसको प्ले कर देता हूँ और इसको ऑन कर लेते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पे टाइमर चल रहा है, पर ये वैल्यू में अभी मेरे पास एक इशू आ रहा है, इसको देख लेते हैं। तो मेरे पास डिस्चार्ज हो रहा है 10 सेकंड तक, उसको यहाँ पर ये आप देख सकते हैं MS मिली सेकंड के अंदर कर रहा है, 10 को मिली सेकंड में करके ये 10,000 इस तरह से बन रहा है। तो अब मेरे पास ये फेल और डिस्चार्ज हो रहा है, पर इसमें जो टाइमर की वैल्यू है मेरे पास एग्जैक्टली इस तरह से शो नहीं हो रही जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये, इसको मैंने 0 से 10 की रेंज में लाना है, तो इसके लिए मैं डिवाइड का फंक्शन यूज़ करूँगा। जो 10,000 वैल्यू आ रही है उसको मैं सिंपली डिवाइड करा दूँ 1,000 से, तो मेरे पास 0 से 10 की रेंज में आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये मैंने करनी है कि जो काउंटिंग हो रही है अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 से स्टार्ट होकर हो रही है, 0 से 10,000 तक या 0 से 10 तक होगी। मैंने इसको रिवर्स कराना है, जैसे कि एग्जांपल की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से हो गया 9876 जो मेरा टाइमर इस तरह से चले। तो मैं इसके लिए सिंपली ये करूँगा, एक नेटवर्क
मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस कमांड में मैं लूँगा डिवाइड की कमांड। तो आई एन वन जो है मेरे पास वो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे मैं लेट से रख लेता हूँ एम डी वन। तो मेरे पास जो एम डी वन के अंदर 0 से 10,000 की वैल्यू आ रही है इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये आउटपुट जो है 0 से 10 की रेंज में मिलेगा, पर अब मैंने उसको रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है। मैं सिंपली ये करूँगा यहाँ पे एम डी फाइव का रजिस्टर लूँगा, यहाँ पे एक और फंक्शन लूँगा, ये लूँगा सबट्रैक्ट का। अब जो 0 से 10 की रेंज यहाँ पर आएगी उसको मैं ये करूँगा कि उसको 10 से माइनस करवा दूँगा। एम डी फाइव जो भी वैल्यू आएगी 10 के अंदर जो यहाँ पर आ रही होगी 0 से 10 वो 10 से माइनस होके ऑटोमेटिकली, लेट्स से अगर ये 1 आ रही है यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है 10 माइनस 1 आउटपुट पे 9 वैल्यू शो होगी। तो 9 8 7 6 5 इस तरह से, तो ये मेरे पास QD 100 में चली जाएगी। अब अच्छा इस टाइम को मैं इस तरह से ऑपरेट करवाऊँगा कि यहाँ पर मैं टैग ले लेता हूँ फिलिंग ट्वेल्व का। कि जब मेरे पास ट्वेल्व ऑन हो फिर ये इसकी कैलकुलेशन इस तरह से स्टार्ट हो जाए। सिमिलरली मैं अगर इस पूरे नेटवर्क को कॉपी कर लूँ यहाँ से, और पेस्ट कर दो, अब यहाँ पर भी मैंने यही करना है। यहाँ पे लेट से मैं ले लेता हूँ MD20। MD25 ले लेता हूँ यहाँ पर, या आप अपनी मर्जी से जो भी नंबर्स लेना चाहें वो ले सकते हैं। MD12 जीरो से 10 की वैल्यू यहाँ पर आएगी कन्वर्ट होकर, और ये फिर इस तरह से जा रही होगी। यहाँ पर जो मैं लूँगा अब वो लूँगा डिस्चार्ज वैल्व का सिग्नल, मैंने यहाँ पे इसको टैग का नाम दिया नहीं है, मैं टैग का नाम दे देता हूँ तो अब यहाँ पर मैंने देना था डिस्चार्ज वेल्व का सिग्नल। तो अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं और फैक्ट्री आईओ पे ऑपरेट करके चेक करते हैं। तो मैंने सिंपली एक करेक्शन किया है, इसमें मेरे पास 10,000 वाली मैंने गलती से रख दी थी, इसमें 1,000 रखी है। तो अब इसको ऑपरेट करके चेक कर लेते हैं। तो अब ये 10 सेकंड तक ये टैंक को फिल करेगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाते हैं डिस्चार्ज के सर्किट पे, प्रोग्राम पे सॉरी, और ये इस तरह से अब डिस्चार्ज हो रहा है।
अभी की एग्जांपल में सिर्फ यही था, नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग फर्दर काउंटर्स को ऑपरेट करके चेक करेंगे। आप इस एग्जांपल में जो दूसरे टाइमर्स हैं उनको भी ऑपरेट करके परफॉर्म करके देख सकते हैं। थैंक यू। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।